चलिए, दो दिन में भूल गए सब कुछ? याद है सारा? क्या निकटवर्ती उस दिन हम जो पढ़ा रहे थे आपको, 121 कहां तक गए थे हम लोग? ये हो गया था, याद है ना सारा बात? ठीक है, देखते हैं। इसका विपरीत तो ये था, इसका ये, इसका ये। इतना क्लियर है? ये मतलब बता चुके थे तो विपरीत क्लियर है इसका? नेक्स्ट में आई, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था। तो अब यहां पे आपको देखना होगा। अच्छा, आज पीडीएफ भी चेक करेंगे अभी हम। तो अब यहां बताइए, यहां पे किसका एफ का विपरीत? ई का, ए का, डी। तो एफ का विपरीत हो गया आपका बी, ए का डी और ई का सी। जब हम लोग कट करते हैं इसमें, कोई बात नहीं, देख लो ना, जो मान लो दो दिन में भूल गुल गया होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहां देखो एफ बी निकटवर्ती, खत्म। चलिए फिर देखते हैं कहां पे है ई सी, ई सी में ये खत्म, ए डी में ये खत्म। क्लियर है? चलिए, ऐसा है कोई जो इसमें प्रॉब्लम है? नहीं ना। अभी देखो कुछ क्वेश्चन भेजे थे हम मेरे पास में, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, वो हम टेस्ट में डाल देंगे। इसी प्रकार का था, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं दिखता है, उसमें कैसे ढूंढना पड़ेगा विपरीत, वो आपको डाइस के टेस्ट में डालेंगे। अच्छा क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन भेजिए, तो उसे क्या होता है कि उसको अभी डिस्कशन करवा दिया। एक बात बताएं, नंबर दीजिएगा, बहुत कुछ का एड्रेस अपने पता कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? करो करो, भेजो, पीछा करके घर का पता चलेगा, चिट्ठी लेके आओगे का? अब पीछा करना ही नहीं मेरा बुआ, सीधा सीधी कदम कुआं, पीछा करना ही नहीं। हम पहले ही हम मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे, मछुआ टोली से कदम कुआं बीच में कभी भी छुट्टी के दिन मिल जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, हम छिपे हुए इंसानों में से नहीं है बुआ। यहां आ जा, बना लिए हैं? अच्छा एक बार कंफर्म, यहां पे विष्णु जी, यहां कोई और है? और भी कोई है? नहीं है, ठीक। चलिए, नहीं सबका पीडीएफ तीन चार आदमी को लगा के पूरे का चेक कर लेते, जो नहीं बनाते भी निकाल देते, लेकिन है नहीं। हाँ ठीक, अभी जो जो बनाया तू तो दिखे भी करेगा ना, जो नहीं बना इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें 100 को नहीं बनाया होगा गिन करके? नहीं दिया ना, मिला है पीडीएफ, बनाए हैं पक्का? कहां तक खींच लिए हैं? 141 तक चले गए। ए भाई कोई पीडीएफ दो जरा, कोई एक पीडीएफ लाओ ना, कोई एक लाओ ना, तब तो हम कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, बना लीजिएगा उतना दूर जाएगा तो। 39 के बाद तो कटिंग में आ गए, 39 तक है। हाँ बन गया होगा, लो ये कितना है, 123 बन गया होगा, आपको मालूम है। चलिए अब ध्यान देना, यहां पे 5 का 4, 1 का 3 और 2 का क्या हुआ, ये सारा, तो जाहिर सी बात है ये 2 के बगल में तो नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब आइए इधर, फिर देखो 1 का 3 यहां से ये कट गया, फिर आप उधर से आइए 4 का 5 कट गया, आंसर यही है। अच्छा कभी कभी याद रखना क्या होगा, 2 को ऐसा ही मिल जाएगा, जैसे ये मिला ना इसी तरह 2 को मिल जाएगा। अब वहां पे क्या देखना होगा, जैसे ये फिगर है ना, देख लेते जरा, 3 के माथा पे 0 और 5 के माथा पे क्या है, इक्वल, वहां है ना, वहां पे देख रहे इक्वल, 5 के माथा पे कौन है, इक्वल। यहां तो मेरे पास कोई चारा नहीं, हम 5 2 बी नंबर आंसर कर दिए। कभी कभी क्या होगा, आपको इस तरीके से बना के फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है, यहां आपका 3 है, यहां 5 है,
और इसको यहां से कट करेगा और तीन के ऊपर में क्या था जीरो और पांच के ऊपर माथा पे क्या है इक्वल और इधर हो गया माल उसके बाद वहां गुने है। अच्छा मान लो गुने दे दिया यहां इसको तो नहीं कर सकेंगे ना गुना और ट्राइंगल। अब जब इसको देखेगा ऐसा दे देगा ना तब ये लगाना अगर दो आ गया इस प्रकार का तो बस ये जरूर देख लेना कि भाई जो तीन वाला है यहां जब मुड़ेगा इसके ऊपर में जीरो आएगा तो यहां है और पांच वाला जब मुड़ेगा तो इसके माथा पे इक्वल आएगा तो यहां इक्वल नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। कब जब दो फिगर मेरा इस प्रकार से आ जाए तब जनरली आएगा नहीं यदि आ गया तब। और यदि आने वाला कौन होगा बता देते हैं कि ऐसा कहीं आप विद्वान के पास अगर चले गए गलती से कोई टीचर ऐसा विद्वान वाला मिल गया वो आपको फंसाएगा इस क्वेश्चन से। देखो हम क्या बोले पढ़ाई अपनी जगह सिलेक्शन अपनी जगह फंसाना अपनी जगह। पढ़ाई में तीन बात होता है पढ़ना सिलेक्शन और फंसना। बात समझ में आया कि नहीं। तो फंसाने वाला क्वेश्चन को कभी मत ध्यान दीजिए क्योंकि कभी एग्जाम में ना पूछेगा वो सब उसी जगह पूछा जाएगा जब आपसे कोई मतलब बिना मतलब का बहस करेगा। हाँ सॉरी शक्तिमान करके निकल जाइए ज्यादा बहस नहीं करना क्योंकि फिर निगेटिव देना शुरू कर देगा। ये चीज नहीं पढ़ा था क्या तुम्हारा रिजल्ट होगा रे ना तुम्हारे। अब जानते हो उसे क्या होगा वो तो बोल के चला गया उसको बोल के चला गया खुश भी है हम बोल लिए जो आपके माथे पे आ जाएगा ठीक ये कहा था रे कैसे होगा तब फिर चार नाव पे आप भागना शुरू कर दीजिएगा तो बचिएगा। बताइए हर चैप्टर में फंसाने वाला क्वेश्चन है क्लॉक वाला क्वेश्चन में किसी को मिनट घंटा सब जानता है घंटा मिनट पूछ देगा लोग फंस जाएगा जनरली किसी भी टीचर को पूछ दीजिएगा टीचरों को ध्यान नहीं रहेगा ये बात का कि मिनट टू घंटा पूछा है घंटा टू मिनट। जैसा मुझे पूछे थे ना दो बजे वाला में तुरंत कैलकुलेशन सब आदमी क्या कर दिया दो गुना तीस कर दिया साठ कर दिया जबकि हम उल्टा घंटा टू मिनट पूछ दिए अंत कौन बाय कौन। तो ये सब फंसाने वाला चीज है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए एफ का कौन थ्री और टू का फोर। अब ये दोनों है बात समझ में आया इस दोनों का ये दोनों है मिला करके एक को चार टुकड़ा में बांट दिया है। तो याद रखिएगा कभी भी छह मतलब छह सतह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं करिएगा छह सतह है तो भाई इतना सतह कैसे हो गया। तो एफ का विपरीत तीन दो का सॉरी ट्राइंगल और ओ का ट्राइंगल ओ का गुना और इक्वल इतना लेके चलिए। तो ट्राइंगल ओ का गुना इक्वल तो विपरीत था खत्म हो गया बात समझे कि नहीं विपरीत में जा रहे हैं ये भी खत्म हो गया सभी खत्म हुआ क्या जी नहीं ये आंसर हो जाएगा दिख गया वहीं पे कोई दिक्कत नहीं नॉर्मली खत्म 123 ये वाला क्लियर है सबका ठीक फिर आ जाएंगे चिंता नहीं करो है ना तुम लोग तो प्रिय है ना रे लड़का लोग तू भी पीछे वाला जितना बैठा हुआ है आगे वाला पे तुम ध्यान नहीं देते हैं आगे वाला सब हीरो सब है परे वाला पीछे बैठता है हम पीछे बैठते थे। खैर ऐसा कोई बात नहीं है देखो एकेडमिक का बात होता है वो अलग है ना जनरल में सब चीज चेंज हो जाता है। आप अपना ही बैक होके हिस्ट्री देख लीजिए जितना भी 1 से 10 रोल नंबर वाला होगा उस समय का अभी कुछ नहीं कर रहा होगा अभी प्राइवेट वाइवेट नौकरी कर रहा होगा कहीं कहीं और जितना भी पिछलका होगा सब सरकारी नौकरी होगा सब सरकारी कोई फोर्स में है तो कोई रेलवे में है। हाँ और अगुल का जो 1 से 10 रोल नंबर वाला है उस सब या तो कहीं इंजीनियर बन के बैठा होगा उसका भी इंजीनियर उतना बढ़िया पढ़ाई नहीं मतलब कोई खास इंजीनियर नहीं फालतू बना हुआ पिछल के। और दूसरा बात जो बच्चा में बड़ी सुंदर लड़का था आज के डेट में देख लीजिए उस सब लड़का का मुंह खराब हो गया होगा आज जो बैक बेंचर आज उसको देख लीजिए गर्दा हीरो बना हुआ रहता है। तो वो सब चीज देख लीजिए बचपन की बात कर रहे हैं अभी आप जवान है ना अब इससे बड़े आप नहीं होइएगा हो गया बड़ा होने का टाइम। आगे बढ़ो देखो इसमें क्या था कि भाई हमको 123 नंबर में ये चारों जो है किसका विपरीत है तो दो का विपरीत है चारों किसका है दो का विपरीत तो यहां तो दो का विपरीत था इसलिए कट गया सी नंबर ठीक है। फिर आगे चले इसमें एक और तीन एक का विपरीत तीन तो ये निकट में दे दिया ये भी ए नंबर भी खत्म हो गया
और यहां चार का विपरीत पांच, तो चार और पांच निकट में दे दिया, ये भी खत्म हो गया, तो आंसर कौन हो गया? बी नंबर। ठीक है, इस बात को ध्यान में नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अरे बताइए दिए थे तो डी, उसमें भी गलत बोल। देखो जरा 124 को देखो, हम इतना बताएंगे आपको परेशान नहीं होना है कि देखो हम इतना जानते हैं कि यहां 20 बच्चा तो बैठा हुआ नहीं है जो कोई प्रॉब्लम छोड़ दिया जाए। अगर यहां 50 से 100 बच्चा रहते ना तो क्या करते मालूम है, एको बताते कहते बना के लाओ 10 छो, फिर सीधे अगले क्वेश्चन पे चले जाते, वो 3 महीने 2.5 महीने में पूरा रीजनिंग खत्म हो जाता। लेकिन यहां इतना है, इतना में एक एक चीज लेके जाएंगे, आप परेशान नहीं हुए, क्या होगा आगे वो भी क्लियर कर देंगे, परेशान मत हुई, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब यहां पे क्या देखे, ट्राइंगल और ओ का विपरीत है गुना और इक्वल, यहीं से कट गया, ये दोनों जो है ये और ये दोनों विपरीत है कट गया, यहां पे ये और ये विपरीत है कट गया, यहां भी ये और ये विपरीत में है कट गया, यही एक मेरा आंसर बच गया। 23 भी क्लियर? अब बोलो बोलो, अल्फाबेट एडजस्ट से तुम क्या मतलब, वो सब चीज देखे नहीं करो, बैठो। हम आज तक अभी तक जो डाइस पर है कहीं बोले हैं कि अल्फाबेट टाइप फलना, डिजिट टाइप चिलना, ये दिमाग में तुम कैसे घुसा कर लेके चला आया? डाइस में 5 रूल ही याद रखना, भूल जाओ अल्फाबेट और डिजिट। डिजिट में यही फायदा है कि 1 से 6 होता, याद रखना है। अल्फाबेट में अगर कुछ दे दिया तो कोई नया कलर आएगा तब ये विपरीत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुम्हारा भी प्रॉब्लम आएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, यहां बोल रहा है कि 2 का विपरीत क्या, नॉर्मल है 2 का विपरीत ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी चारों आंसर में किसी को कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, 4 छोटे वर्ड, चलिए हो गया, आगे बढ़े। कोई बात नहीं है, वो भी समझ गया ना कि सब जो है इजी वे में बना लीजिएगा। दे दो कोई एक, एक कोई दे दो। 24 था, 24 के बाद रुको रुको, 25 हो गया ना, 25 के बाद अब यहीं से शुरू कर दिया था तो ठीक है। यहां से हम करते क्या, ऐसे ब्लैंक ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अभी 25 के बाद 26 नंबर, सबके पास पीडीएफ है? चलिए हम सिर्फ इसको आंसर करते हैं, क्या उतना बनाना बेकार का समय बर्बाद करना है, सिर्फ आंसर करेंगे कि ए का विपरीत क्या, सी, और ई का विपरीत डी, और उसके बाद है आपका बी का विपरीत इक्वल एरो ट्रायंगल और ओ। अब आपको कट करना है इसमें, ठीक है, तो पहला नंबर देखो, यहां से देखा सी नंबर आपका ए बी सी डी, रुक जाओ यहां लिखने दो, ए बी सी और डी, दिख रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन दिख रहा है, मतलब अपने पीडीएफ में देखिए। हाँ, तो सी नंबर पहले ए सी से काट दिए, जो दिख रहा उससे काट दे, ए सी से सी नंबर खत्म हो गया जो विपरीत था, रुक जाओ जो दिखे वही करेंगे। अच्छा, बी का विपरीत जो है यहां बी नंबर में, यह भी खत्म हो गया क्योंकि यहां पे बी का निकटवर्ती कर दिया है, इसको इक्वल ट्रायंगल, इसको और इसको निकटवर्ती, दोनों खत्म हो गया। डी है कहां इसमें? अच्छा, डी का ई विपरीत है, नहीं, हाँ डी का ई यहां पे विपरीत है आपके डी नंबर में, डी और ई से कट गया तो बच गया ए नंबर, 126 का था, सबको दिख गया। चले 127 में बोला ए प्लस बी का क्या होगा, तो सी डी, सी प्लस डी बी नंबर,
127 का आंसर हो गया बी नंबर सी प्लस डी। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं 128 में। देखो पहले तो बताना पड़ेगा यहां पे एक का तीन विपरीत है, दो का चार है और छह का पांच है। अब आपको यहां से उत्तर करना है कि पहला नंबर में छह दो, नहीं रुकिए, छह चार, नहीं रुक जाओ, चार दो, हाँ ए नंबर तो कट गया आपका चार दो से, अगला है छह पांच से कट गया, सी नंबर रहेगा और डी नंबर किससे कटेगा, छह पांच से डी नंबर कटेगा, आंसर सी। ये 128 था। ऑनलाइन में भी सबको पीडीएफ मिल ही चुका है, कोई बना रहे हैं अब देव लिख रहा सर क्वेश्चन, पीडीएफ नहीं निकाले थे बुआ, हाँ डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने में पैसा लगेगा, डाउनलोड कर ले, आजकल तो मोबाइल का जमाना है। 128 के बाद आइए 29, गलती है देख लेते हैं। अच्छा इस बार हमको जो है ये जो पूरा ये हो जाएगा, जब ये पूरा खत्म कर लेंगे तो अंतिम में हमको इसमें कहां कहां पे हम इरर बोले थे या किस क्वेश्चन को छोड़े हैं, रुक जाओ तुम हमको लिख के देगा, ठीक। ज्यादा हमको लगता 5-6 को गलती होगा तो वो खाली हमको बता देना कि इसमें इसमें गलती था, इसलिए टिक आउट लगाते चलना बुआ। 129 में देख ले, अरे बाप रे, 1 2 3 4 निचल का पांच, रुकिए 1 2 3 4 है ना, देखो इसको अगर ठीक करना होगा, लेकिन नहीं करेंगे ठीक, सुन लीजिए, और यहां पे ठीक नहीं करेंगे, रिसर्च करना अब यहां पे जरूरी नहीं है, रिसर्च नीचे में ठीक होता है, यहां रिसर्च करेंगे आधा आदमी अपना ज्ञान देना शुरू करेगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, यहां सीधे 1 2 3 4 रहने दीजिएगा, बाएं में जो चार लिखा है उसको पांच कर दो, बाएं में, बाएं समझते हैं ना प्रसार चित्र का, हाँ उसको पांच कर दीजिए, इधर वाला में पांच कर दो, इधर वाला में छह, 1 2 3 4 तब बना के देखना, तो निचल का पांच को हटा दिए, 1 2 3 4 यहां जो पांच था इसको हटा देना है, पांच यहां कर देना है बाएं पे और छह तो यहां है ही, तब बनाना ठीक है। नहीं मिला तब इरर होगा, इसको नोट कर लेना, हटाओ। अरे ऑनलाइन वाले कर रहे सर मेरे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड आपको करना था ना, तो आप नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सब कुछ इधर करके देंगे, सौतेला पति का क्या होता है जी, सौतेला बेटा समझ में आता है, तुम्हारी सौतेली पत्नी की माँ तुम्हारी कौन लगी, वे सास लगी कि नहीं, लेकिन सौतेली पत्नी कौन होगी, आप लोग बोलते हैं अपनी अपनी मेड को पूछ दिए थे तो बता दी थी, हम बोले आपकी आपका जो सौतेला पति पति होगा वो आपका कौन लगेगा, तो सौतेला पति सीधे समझा दी, सौतेला पति, हम पति तो आपका एक एक है, सौतेला पति कहां, बोली जब हम किसी और से ब्याह कर लेंगे तो हम लोग वो भी तो आपको पति लगेगा, फिर पता नहीं किस भाषा में समझाई हम भी नहीं समझ पाए। हाँ बुआ तुम लोग का वही होने वाला है। 129 का 130 का आंसर, चले ए का डी, रुको देखने दो जरा सा, ए का डी है, बी का एफ है और सी का ई है, चलो इसको आंसर कर लो कि पाला, देखो जरा सा रुक जाओ, ए ही आंसर है। अच्छा रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, देख लेते हैं
ई सी डी, तो देख लो जरा सा, सी डी तो नहीं है, ई है सी है, ये ई और सी से गया, चलिए बी नंबर में, सी नंबर भी ई सी से गया, और डी नंबर में एफ बी से गया। देखो हम इसलिए लिख देते हैं ना, कुछ आदमी को नहीं मिलेगा, इसलिए हम पहले दिखा देते हैं कि देखो किससे किससे कट रहा है, यहां देख लेना 132, 31, 32, 33, 34, 35, ये बड़ा लिखे हुए ना मजा नहीं आ रहा है। चलो हमको जरा से बताना, पहले आप 133 बताइए हमको, 133 का बताओ हमको, सुन लीजिएगा, 133 बोलना है, 31 32 को छोड़े हुए हैं अभी, ठीक है। 33 में कह रहा है कि आकृति को मोड़ कर घन बनाया जाता है, पांच का विपरीत बताइए, तो पांच का विपरीत क्या हो गया, तीन, सी नंबर 133 का सी, सबका क्लियर है। चलिए 134 का मिलाओ, तीन का विपरीत, रुक जा, तीन है कहाँ, हाँ तीन का विपरीत छः, छः किसमें है, बी में है। चार का विपरीत 135 में आइए, रुक जाइए, यहाँ देख लो भैया, यहाँ दो कॉमन इसमें है, तो दो का निकटवर्ती हो गया, एक तीन छः और नहीं नहीं होगा, निकटवर्ती से नहीं होगा ना, चलिए यहां देख लेते एक सेकंड, दो तीन, दो तीन दोनों में कॉमन है, तो एक का क्या निकलेगा, छः, पूछा किसका है, चार का, बस 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 यहीं पे तो आ रहे थे हम, रुक जाओ जरा सा, यहां देखना जरा, ये क्वेश्चन शायद हम बताए थे कब उस दिन, ध्यान देना, इसमें दो डाइस दिया है, एक पहला डाइस बना के दिया है, इसको समझना अच्छे से, ठीक है, नहीं तो दर्द करेगा बहुत ज्यादा, हाँ नहीं अच्छा समझिएगा दर्द कर जाएगा, उस दिन भी समझाए थे। 135 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, चार का विपरीत, चार का विपरीत क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, पहली बात को समझिए, थोड़ा समझना, जहां दर्द करेगा वहां हम रोक दिए, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले आप तो जानते हैं कि मेरा दो तीन और दो तीन कॉमन है, तो एक का विपरीत क्या होगा, इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं है। अब इसको ओपन डाइस पे ले आए, प्रसार चित्र पे लेके चले आए, प्रसार चित्र में जब तक ना दिया रहे कॉमन अंक को मध्य में रखा जाता है, तो दो तीन है तो किसी भी अंक को पकड़ लीजिए, किसी को भी पकड़िए, दो एक हम ले लिए तो दो यहां रख दिए, तो यहां से क्लॉकवाइज उठाना है आपको, क्लॉकवाइज मतलब दो तीन और एक, तो यहां से हम उठा लिए दो तीन और एक, इसमें किसी को दिक्कत, हम उस दिन ही बताए थे कि दो चीज को साथ में रखना, उसका एक टर्न कर देना, क्योंकि अगर सीधा सीधी कर दीजिएगा, जैसे कि दो तीन एक अगर हम सीधा में कर देते, दो तीन एक इस प्रकार से, तो ये क्या होता है ना, विपरीत में आ जाता, जबकि जबकि जब दिखाया जाता है तो तीनों निकटवर्ती होता है, ठीक है। तो यहां से घुमा दिए दो तीन एक, अब क्या करेंगे, यहां पे हम उठा लेंगे किसको, सुनना पहले ध्यान से, है ना, अब क्या है कि यहां से उठाएंगे तो क्या आएगा, दो छः तीन, तो दो छः तीन यहां करेंगे तो यहां नहीं आएगा, इसका मतलब है कॉमन क्या निकाले थे विपरीत में, एक का छ, तो यहां से देख लो दो छ तीन, अब यह भी क्लियर हो गया, यहां से दो छ और तीन क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है थोड़ा समझना, मेरे पास अब बचा क्या, चार और पांच, हमको जगह तो नहीं पता है कि या चार या पांच यहां हो या चार या पांच यहां हो, यदि चार यहां है तो इसका विपरीत, और यदि चार यहां है तो विपरीत तीन, तो इसका आंसर होगा दो या तीन, चार का विपरीत होगा दो या तीन, नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो दर्द करेगा बार बार हम बोल रहे हैं। इधर जो बैठते आप लोगों को दिखाई देता है हुआ, पता नहीं क्या, उधर भी जगह थोड़ा सा खाली था इसलिए बोले,
नहीं दिखा दे ना तो कह देना है सर हटिए थोड़ा सा ठीक। हाँ ऐसे नहीं बोलना। चलिए नोट कर लिए, क्योंकि देखो जब भी ऐसा वाला आएगा जो आप स्टार्टिंग में पूछ रहा था 36 नंबर किधर गया, ये पूछ रहा था। क्लियर हुआ तुम्हारा? ब्लैक शर्ट, हाँ ये वाला क्लियर हुआ अपेंडाइस का? तो हम ऐसा क्वेश्चन देंगे, बना लीजिएगा, दे हम एक ऐसा क्वेश्चन पक्का। हाँ बोलो। हाँ मालूम था, वंश मोड नहीं, वंश मोड के साथ कंडीशन दिया है। सॉरी ओकरा यहाँ नहीं रखिए, दूसरा चार को कहाँ रखे, चार तो का जगह खाली है, तो अपने अपने रहेगा, उसको हम नहीं रख सकते हैं। हाँ ये कहिएगा आप कि सर दो को ले लीजिए, तीन को लीजिए ना बीच से, ये आप कह सकते हैं। मैं तो जो खाली जगह चार पांच, तो यहां रहेगा तो दो, यहां रहेगा तो तीन। अब मन करेगा नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे हम ना लो दो हम तीन, तो तीन एक दो बैठाएंगे, एक का विपरीत छह निकाले थे, अब यहां से क्या हो जाएगा, या तो चार या पांच यहां, या तो चार या पांच यहां, यहां है तो दो होगा और यहां है तो तीन होगा। तो आंसर यही ना आया था, चाहे उसको रखिए चाहे इसको रखिए, तो स्लाइस देकर के एगो यो फिगर बना लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि सर दो बोले हैं तो दुए रखना है, ऐसा नहीं है। आप किसी को भी, दोनों में से जो भी कॉमन है किसी को भी बैठा सकते हैं, तो ये वाला भी फिगर बना लीजिएगा, लेकिन स्लाइस जरूर दे दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप फिगर बना जाइएगा। तुम्हारा पीडीएफ ना देंगे, कॉपी में बनाओ। हाँ बोलो। 82 जाएंगे, जब ये पूरा पढ़ा देंगे ना तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किस क्वेश्चन में किसको समस्या है, लेकिन फिर आगे इसको चलने चल दिए, क्या कि इसमें बहुत कोई है ना जो कि पहला से नहीं क्लास किया, दूसरा से नहीं किया, वो लोग कहीं से 16-17 घुमा देता है। इसको दोनों को नोट किए, क्वेश्चन दें हम एगो अपने तरफ से, बना लीजिएगा ना, देखें कितने का सही होता है। क्वेश्चन लिखिएगा, बड़ी मजा आएगा अभी। डाइस फिगर दिखाई दे रहा है, डाइस फिगर 1 और 2। क्वेश्चन है दिए गए डाइस फिगर, यही तो देखना है डाइसो बना पाते कि नहीं बना पाते। दिए गए डाइस फिगर के आधार पर बताएं कि इतना आसान होता ना तो मैंने काम ना करते। इसे प्रसार चित्र से समझाएं। अब यहां पे आपको प्रसार चित्र एक बनाना है, क्योंकि ऑप्शन में चार प्रसार चित्र बना हुआ रहेगा, उसमें से एक को टिक करना होता है। अब आपको यहां प्रसार चित्र बना के हमको दिखाना है कि आप बनाए हैं कि नहीं बनाए, और हम नीचे आ रहे हैं देखने। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है तुम्हारा।
पहन दो ना, लाओ। अब पेंसिल आते हैं उधर से लौट के, बहुत का काटना है अभी हमको। दाई सो बोली मां, कुछ लिख दो ना, प्रसाद चित्र खाली बनाओ ना। हम तो देख ही रहे हैं, प्रसाद चित्र बनाओगे तभी तो डाइस बना के दिखा रहे। नजर पड़ रहा है मेरा, जहां तक हाथ जा रहा है वहां तक ठीक है। काटो, सब बढ़ा दल के मास्टर स्वामी को दम थमा दिया, एक को सही नजर नहीं आया अभी। प्रसाद जी तो डाइस का दिखा रहे। काटो काटो काटो, एकदम काटो, काट दो, तुम्हारा अपने से काटो, आत्महत्या कर लो इसमें, जर का काटेंगे सर, एक सही नहीं है। थोड़ा रुक गए, इसका मतलब सही जा रहे थे, ये लोग से काट दे, आप सही जा रहे थे इसलिए रुके वहां पे। कहाँ है जी, लिखने से पहले काटो एकदम ऐसे ऐसे, दिखान काट दो, लाल पेन काट दो, कट करो, हाँ काट दो, काटो जी, गलत है, काटो, लो हम ही काट दे, लो गलत गलत। पूरा करो, ला पूरा कर, इस पहले हम काट लेते हैं। देख लिए हमको, जहां तक देख अभी तक एक भी सही नहीं मिला है। काटो, गलत है, गलत है, थोड़ा और मेहनत करो, आ जाओगे सही। गलत है, गलत है, गलत है, देख लिए, ये कौन सा बनाया, गलत है, गलत है। गलत है, हम देखते भी नहीं है। प्रसाद जी तो बनाओ, कहाँ है प्रसाद चित्र आपको, प्रसाद चित्र डाइस है ये तो, एक को सही नजर आवे तभी तो, गलत है वो, गलत है, हटाओ, वो नहीं देखना है हमको, काटिए, गलत ही किस, अच्छा है, गलत है, नहीं नहीं, कहाँ से, मध्य कौन है आपका, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, खाली दिखाओ,
ये भी खत्म। क्वेश्चन एक बार पढ़ो अपने सही हो जाएगा, गलत है दिखाओ तुम्हारा, गलत है गलत है गलत है गलत गलत गलत। अब आया जगह पे, अब आया जगह पे, अंतिम अंतिम में एगो आया जगह पे। एक ठोक लड़का का आया लेकिन गलत एक बार कटने के बाद। हाँ क्या लिखा है? तो फिर मध्य में क्यों रख रहे हैं? छोटा सा मिस्टेक था कि नहीं था? जब नीचे स्थित है तो देखो इसको कहते हैं मध्य, इसको सामने, ये ऊपर और ये नीचे, तो दो यहां होगा। बस यही गलती किए थे आप लोग आज 2 घंटे तक अपनी। अरे तुम लोग में नहीं जा सकते न जी निकल के, इन लोगों का देख सकते हैं, आप लोग में थोड़ी चले जाएंगे ऑनलाइन वालों में। आप लोग बनाइए और समझिए इसको बुआ, ठीक है? चलो ध्यान देना, एक छोटा सा मिस्टेक आप लोग ध्यान नहीं दिए कि यहां लिखा है दो नीचे स्थित है, बाद बाकी जितना बनाया सबको मध्य में डाल दिया। दूसरा बात, कहीं कहीं हम रुके भी तो वो लोग मध्य के बदले सामने डाल दिया था। हम कहे भी कि थोड़ा सा मेहनत को आ रहा है, जगह पे आ रहा है। तो अब पहली बात की विपरीत निकालना, तो आप तो ये तो क्लियर है कि दो और दो है, तो यहां से आएगा 2, 3 और क्या 6, और इधर से आ गया 2, 1 और 5। तो 6 का 5, 1 का 3 और 2 का 4, ये तो विपरीत क्लियर है हमारा। तो फिलहाल यहां से 2 अगर रखे हैं तो यहां पे आप इस पे भी बैठा सकते हैं कि 2 का विपरीत कौन जाएगा? 4। अब देखो जरा सा, हम पहला है 2, 3, 6, तो अब यहां से 2, 3, 6 अगर हम रख देते हैं, क्योंकि 2 हमको नीचे रखना था, तो 2, 3, 6, तो 2 का 4, 3 का क्या निकाले हैं? 1, और 6 का क्या निकाले हैं? 6 का 5। अब क्या होगा, ये आपका सही फिगर है, ऑप्शन नंबर 1 में ये फिगर दिया, सेकंड ये 1 में तो देगा ही नहीं, 1 में तो देगा तो आप देखिएगा तो आगे बढ़ो नहीं करिएगा, कहेगा हाँ सही है। आपको जब ऑप्शन नंबर देगा ना तो उसमें क्या करेगा कि पहला फिगर में आपको यही बना के देगा जो आप बना के बैठे हैं। 2 है, 2 का विपरीत 4, एकदम सही सही, और इधर 3 का विपरीत 1, तो 3 का विपरीत 1, और 6 का क्या तो 5। जहां ये ए नंबर रहा और ये आपको बी नंबर में रहा, तो जनरली तो ए मार के आप लोग निकल जाइएगा। बात समझ में आ गया? ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन दोनों लिख लो, ए और बी दोनों लिख लो, सी डी ऑप्शन अपने मन से बना लेना, लेकिन 2 ऑप्शन इसलिए कि आपको डिफरेंस पता चले, पता चला कि हम पढ़ा दिए सब चीज, अब डाइस पे आ गए, यहां देखो मध्य नहीं क्वेश्चन पे, आप क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, जहां कहे कि भाई 2 का, तभी क्या किया आप क्वेश्चन नहीं पढ़ने लगे, तब तक 2 का विपरीत निकाल के बैठ गए। जिस समय हम क्वेश्चन लिख रहे थे 2 का विपरीत निकाल के बैठ गए, जबकि था ही नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, यहां पे इतना आसान होता तो थोड़े हम लिखते, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। अब तो नीचे मध्य लिखा रहेगा, जब नहीं लिखा रहेगा तभी मध्य में डालिएगा। बात समझ में आ गया? जब क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा कि 2 नीचे स्थित है, और किसी क्वेश्चन में नहीं, जाके जहां प्रसार चित्र बनाने कह दिया तो ये मेंशन क्या किया है वो जरूर देखिएगा, और 4 ऑप्शन आपको उसी प्रकार दे देगा। 2 को मेरे पास आ गया जी, ये किसका था? लो लो अपने, अच्छा नया वाला आप दिए क्या? अच्छा ठीक है, एगो पेज में गोल है लोगों का, नहीं नहीं उसको गोल नहीं, मेरे में पेज गोल है। हाँ चलिए, अब समझ गए ये वाला क्वेश्चन। अब आइए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 135 के बाद 136-137 को कर लो, पहले पहले समझ लो 136 क्या है, पहले समझ लो इसको। लुप्त संख्या का, तो ये ओपन डाइस पे होता है, सबसे पहले तो भाई प्रसार ये 2 डाइस फिगर आपको दे दिया है, इसमें है 1, 3, 5 और इसमें है 4, 3, 2, 4, 3 और 2। तो सबसे पहले बता दीजिए इसमें,
कि इसमें कौन नजर आ रहा, तीन तीन समान सतह पे है, तो एक का विपरीत चार, पांच का दो और तीन का, ये विपरीत समझ में आ गया। कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, तीन है, तो तीन को मध्य में रखेंगे क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है, ये अपने मन से हम लोग बना रहे, तो तीन को मध्य में रखेंगे। तीन एक पांच पहले इसे बिठा दीजिए, बिठा दिए। अब देख लो एक का चार विपरीत है तो चार बैठाइए, और पांच का दो है तो दो बैठाइए, और तीन का छह है तो छह बैठाइए। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं? किसको नहीं समझ में आया? हाँ देखो, ये विपरीत कैसे हुआ, यही ना, तो ये विपरीत ऐसे हुआ कि ये तीन और ये तीन समान सतह पे है, समान सतह पे, तो जब कॉमन अंक समान सतह पे रहता है तो बाद बाकी का अंक एक दूसरे का विपरीत होता है। रूल नंबर कौन था, तीन था, रूल नंबर तीन में था ये चीज, तो उससे हम विपरीत निकाल लिए कि भाई एक का चार हो गया, पांच का दो हो गया और तीन के लिए छह बच गया, खत्म बात। अब हमको क्या करना है, प्रसार चित्र बैठा देना है। तो पहले आप तीन एक पांच घुमा के बैठा दीजिए, जो विपरीत निकाले हैं ना उसको डायरेक्ट बैठा दीजिए, दूसरा का फिगर देखने का जरूरत नहीं है अगर विपरीत आपका निकल गया हो तो। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कितना इजी रहता है ये सब क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर में, पहला कह रहा है तीन दो और वाट, यही चीज आपको देखना है। तीन दो वाट, देखो तीन दो के साथ क्लॉकवाइज किधर घूमेंगे, एक की तरफ घूमेंगे, दिख गया, खत्म हो गया, लुप्त वाला पता चल गया तुरंत में। क्लॉकवाइज इसलिए घूमते हैं क्योंकि हम यहां क्लॉकवाइज लिए हैं, तीन दो वाट क्लॉकवाइज में लिए हैं, इसीलिए हम यहां भी वही करेंगे। तो यहां तीन दो के साथ क्यों घूम गए क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां क्लॉकवाइज लिए। अब मान लो सर तीन दो छह का ही नहीं चल गए, तो तीन दो और छह जाएंगे तो तीन का विपरीत छह हो जाएगा, तो यहां नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, दो एक साथ लेंगे और एक टर्न करेंगे, जैसा इसमें लिए, अगर इधर एंटी क्लॉक लीजिएगा तो इधर एंटी क्लॉक लेना पड़ेगा आपको, समझ गए? पहला फिगर में यहां नहीं, को माइक रखवाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों का आवाज नहीं आ पाता। अच्छा, क्लास के बाद तुम रुक जाना, ठीक है, रुक जाओ, हम देख लेंगे, थोड़ा समस्या होता है इस चीज का, लेकिन इसको परेशान नहीं होना है। पहला डाइस में किसको बदलने के लिए बोल रहे थे, तीन के स्थान पे कुछ और रख दे, अरे उठो ना, तीन के स्थान पे अच्छा एकरा इधर ले आए, एकरा इधर ले आए, यही सब ब्याह शादी में दिक्कत करता है कि है ले खुश, यही ना अच्छा देखो ये थोड़ा सा भारी हो गया क्वेश्चन, बैठ जाओ, ये थोड़ा भारी हो गया क्योंकि तीन और तीन जो है समान सतह पे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है चार का विपरीत एक, दो का विपरीत तीन का विपरीत छह, इससे अलग है बात, तो वही ना बुआ। अच्छा एक चीज आप बता देते हैं, जैसे आज ये पूछा ना हमको, इसके पूछने से एक बात याद आ गया, जब हम पटना आए थे ना तो पढ़ने के लिए आए थे राठौर सर के पास, गुरुजी है हमारे मैथ राठौर सर, और जिस समय हम पढ़ रहे थे अभी ना थोड़ा एजेट लगता है, पहले बहुत स्लिम फिट एकदम, तभी नया नया यंग हुए थे उस समय, वो हमसे अभी तो हम तो बुढ़ा गए अब, मतलब हम तो मान लो 17 साल हो गया, सोच लो 17 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, 17 नहीं 18 19 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, नहीं 20 21 22 2003-04 की बात हम कर रहे हैं। हम पढ़ने गए तो मेरा दो चार को दोस्त था, समझ गए, ऐसे ही करके हम वहां से एक क्वेश्चन उठे थे, कोई फैक्टोरियल करके कोई क्वेश्चन आया था, तो वैसे ही करके जैसे वो पूछा ना तो उसी तरह हम भी पूछे, और उस समय 50 लड़का का बैच था उनका, उससे बड़ा बैच नहीं था उनका, तो जिस समय वो उठे वहां से तो हम पूछ लिए और इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे थे, तो सर यही किए थे, इधर से इधर ला करके मतलब बोर्ड पे लिख करके बता दिए, थोड़ा सा सर हंसी मजाक भी कर लिए। उसके बाद जो मेरा बगल वाला जो लड़का था दोस्त वा, वो हमको यहां से लेके घर तक जो है ना पिन करते गया, है बड़का स्टाइल मारता, चुप नहीं रहा गया तुमको वहां पे,
अगर वैसा बाबू कोई दोस्त रहे तो उससे दूर रहना, क्योंकि वो हम भी उसको 3 महीने के बाद बड़ी मार मारे थे वैसे दोस्त लोग को। हाँ कुछ में भी पूछ, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, काहे पूछता है, काहे काबिल। अरे भैया कोई भी कंफ्यूजन है का पूछेगा इंसान। तो हमको वो सीन याद आ गया अपना, क्लास चल रहा हमको कर, तू काहे पूछा, क्योंकि सर पूछे थे क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, बस यही चीज हुआ था, यही हुआ था। सर नाम पूछे, उसका नाम सुन नहीं पाए, सुन लो 50 गो में सुन लिए थे यहाँ पे, लेकिन ऐसे हो गया था। और आपको बता दें 2014 की बात है शायद, या इधर कुछ साल पहले की बात बताए, सर हमको सर बुलाए थे किसी को, तो हम गए थे मिलने के लिए। हम जाके पहले तो प्रणाम, गुरुजी है तो भाई कितनों आप कुछ हो जाए, गुरुजी गुरुजी होते हैं, तो पैर छू के प्रणाम किए, नाम भी पहचाने, आओ मनीष बैठो बैठो, अरे कुछ मिठाई उठाई दो, किस बैंक में हो। हम बोले सर बैंक में तो ज्वाइन नहीं किए सर। अरे तो तुम ज्वाइन कर क्या, तभी उस समय गया था तो हम नहीं किए। अच्छा बैठो बैठो तुमसे बात करते हैं, अरे बुलाओ तो बाहर में दोनों जो सर है उनको बुलाई जल्दी से, जरा उन लोगों का समय थोड़ा सी हो रहा है। तो बुलाने के लिए एक गया तो एक टीचर आए अंदर, बोला दूसरा कहाँ है, बोला सर दूसरा यही है जिनको आप बुलाए थे मेरे बारे में, क्योंकि मेरा होर्डिंग लगा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा पहले, जिस समय बीएम दास रोड में था मेरा क्लास। सर बोले कि ठीक है अच्छा है तुम्हारा नाम आज हम सुन लिए, क्लास का भी बात उनको याद था, क्योंकि 50 बच्चा का बैच में कोई किसी को जानता है, लेकिन इतना में भले हम आप लोगों को ना पहचान पाए, लेकिन छोटा बैच था, सर को भी अच्छा लगा। लेकिन सर बोले इस लाइन में क्यों आया, ये लाइन बता दे सही नहीं है बुआ, हमेशा नौकरी फोकस करना, बहुत आदमी रिसर्चर बन जाता है और जितना रिसर्चर है वो मास्टर बनेगा और सिलेक्शन नहीं होगा। रिसर्च कभी मत करिए, फोकस करिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछने वाला है, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस जो सर कह दे कि ये पूछने वाला है तो उसी पे, क्योंकि मास्टर ये तो अपने ही पागल आदमी रिसर्च करके बैठा हुआ है, तो फिर आप क्यों रिसर्च करिए। आपको डाइस का क्वेश्चन चाहिए, आप क्यों खोजिएगा, रीजनिंग पढ़ रहे हमसे और आप डाइस खोजिएगा ढूंढिएगा। सर 10 दिन से सर खोज रहे, मत खोजो, किसी को जाके चैलेंज कर दो, कटिंग पढ़ लेना पहले, उसके बाद कहना डाइस का कोई क्वेश्चन लाओ अपने लॉज में क्लास में जहां रहेगा एकदम, मतलब मर्दा मर्दी बोलिएगा। समझते हैं कि नहीं समझते हैं, पूरा कोई क्वेश्चन लाओ, बिना पेन चलाए उड़ा देंगे। जब ये बात कहिएगा ना तो सामने वाले का खून खौल जाएगा, वो ऐसा क्वेश्चन खोज के लाएगा जो आपसे ना बने। जब लेके आया देख लो, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो सॉरी, क्वेश्चन तो मिल गया, रीजनिंग इसको कहते हैं, क्वेश्चनवा तो आपको मिला कि नहीं मिला। तो ये काम करिए, कभी भी याद रखना जो अच्छे लेवल पर रहता है वो काम नहीं करता है, तो सोच को तो बदलो, समझ गए। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले क्लियर खत्म कर दो, अब यहाँ पे 3-2-1 है वो तो समझ गया, इधर उधर रात को फर्क नहीं पड़ेगा, विपरीत वही आएगा, अगर 3 मान लो क्लॉक को दीजिए तो भी वही आने वाला है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे बोला 3-2 तो 3-2 के साथ 1, और अगले क्वेश्चन में था कि वाट 4-3 तो वाट 4-3 में देखो आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, 4-3 वाट पढ़ लीजिए, तो 4-3 वाट में कहा जाएगा 5, तो पहला का आंसर 1 और दूसरा का 5, इसको नोट कर लेना क्योंकि फिर ये नहीं रहेगा आपके पास में, इसको नोट कर लीजिएगा ठीक, नहीं है तो कल फिर बता देंगे। और बाबूआ तुमको आप जो अगल बगल में कोई आया साथ में जो पूछा था अभी, साथ में कोई दोस्त नहीं है, बढ़िया किया तुम। हाँ हम पटना आए थे 3 महीना में पागल होके गए यहाँ से, 3 महीना में भाग के घर चले गए सहरसा। हाँ बोलो, कल अब बहुत टाइम हो गया ना, टाइम ज्यादा हो गया। अभी एक काम करना, एक तुम हो गया और एक था कौन वो जिसको बोले थे वो 2 हो गया, और एक तुम भी जो सर सर कर रहा था ठीक, तीनों जो है रुकिएगा जी अभी, का टाइम दिया केकरो का अभी तो। हाँ जब सब चला जाएगा ना तो साइड में रुकिएगा स्टूडियो के पास ठीक, हम देख लेंगे आपका क्वेश्चन ठीक है, बाद बाकी धन्यवाद। हम गए हैं बैठो, हाँ देख ला भूख लग गया सबको, भूख लगा, गुपचुप खाई, गुपचुप
अभी अभी फुचका वाला आ जाए निपटा देगा, जाओ समझ।